आदाब रेसिपी किचन के व्यूअर्स को खुशामदीद। आज रेसिपी किचन आपके लिए लाया है मटन निहारी। इसको बनाने के लिए कौन से अज़ा चाहिए आइए नोट करते हैं। गोश्त 1 किलो, 2 नली इसमें शामिल है, 2 अदद नली। ऑयल 1 कप, दही 1 कप, पानी 6 कप, लिक्विड नमक 3 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पेस्ट 2 टेबलस्पून, प्याज 2 मीडियम कट इन 2 स्लाइसेस, लहसुन अदरक पेस्ट 2 टीस्पून, मसाले जात में लाल मिर्च पाउडर 3 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सौंफ पाउडर 1 टीस्पून, राई पाउडर 1 टीस्पून, स्या जीरा या शाह जीरा पलाव जीरा 1/4 टीस्पून, काली मिर्च साबित के 8 दाने, बेसन 4 टेबलस्पून आप भूनकर रख लें। एक देगची में हमने ऑयल डाल लिया। अब इसमें प्याज डालकर हम सुनहरे करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे 10 से 15 मिनट जी। अब ये हल्के से सुनहरी हो गए हैं ये प्याज। अब इसमें गोश्त और नली डालकर इसको भूनेंगे, तो प्याज के साथ साथ भूनते जाएंगे। तो आप अब गोश्त को भूनें जी। ये हमने 10 से 15 मिनट के लिए गोश्त को भूना है। अब हम इसमें लहसुन अदरक डाल के भूनेंगे, लहसुन अदरक पेस्ट डाल जी। 5-10 मिनट हमने ये लहसुन अदरक के साथ गोश्त को भूना, खुशबू आने लगी है लहसुन अदरक की बेहतरीन। अब लिक्विड नमक डालेंगे और इसको फिर भूनेंगे जी। हमने अब 10 मिनट लिक्विड नमक डाल के भुनाई की थी। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सौंफ पाउडर, राई पाउडर, पलाव जीरा और काली मिर्च साबुत डाल देंगे और इसमें अच्छी तरह इसको भी 2 से 4 मिनट तक भुना देंगे जी। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पेस्ट डालकर भूने जी। 2 मिनट हमने कश्मीरी लाल मिर्च भून ली है। अब इसमें फिटा हुआ दही डाल के भूने जी। दही को हमने भून लिया है और आप देख सकते हैं कि ये जो ऑयल है ये सेपरेट हो गया है। देगची में दही भून गई है अच्छी तरह। अब हम इसमें पानी डालेंगे और जब उबाल आ जाएगा तो हम इसे ढक्कन ढांक देंगे, गोश्त को गलने के लिए रख देंगे जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है निहारी में ये खौलने लगा है। अब इसमें एक लहसुन की डंडी डाल देंगे, ये गोश्त गलाने में मदद करेगी। हम इसे हल्की आंच पे पकने देंगे और गोश्त गलने के दौरान आप बार बार बीच में चम्मच चलाती रहिएगा ताकि ये देख सकें कि तला ना लगे और गोश्त गल जाए और ये पानी आधा रह जाए। ये ढक्कन ढक देंगे हम जी। ये हमारी निहारी जो है 2 घंटे में गोश्त गला है और हल्की आंच पे गल गया है। आप लोग इसमें ये कर सकते हैं कि अगर नमक कम लगे या मिर्च कम लगे तो लिक्विड नमक और मिर्च ज्यादा उसकी तादाद बढ़ा सकते हैं। अच्छा ये देखिएगा, ये हमारी निहारी की जो शोरबा है इस तरीके से है। अगर आप लोग चाहते हैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना, आपको पसंद है गाढ़ा, तो वो जो 4 टेबलस्पून बेसन है उसे 1 कप पानी में मिला के घोल के डालते जाएं और मुसलसल चम्मच चलाएंगे आप। लेकिन बाजार में ये होता है कि जैसे ही सर्दियों में निहारी ठंडी होती है तो जमने लगती है, जिसकी वजह यही बेसन का मावा होता है। लेकिन अगर आप नहीं डालेंगे तो ठंडी होने पे भी इसी तरह पतली पतली मजेदार लगेगी और आप आराम से रोटी के साथ नोश फरमा सकेंगे। तो आपको अब हम फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं।
मटन नली निहारी तैयार है, मजेदार। इसको आप गर्मा गर्म नान के साथ और शीरमाल ताफतान के साथ नोश फरमाएं, मजे लें सर्दियों के, सर्दी की सौगात। मटन नली निहारी रेसिपी किचन में। रेसिपी किचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखिएगा।